श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिभा का पता सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि वो 33 साल की उम्र में बंगाल यूनिवर्सिटी के उप कुलपति बनाए गए थे। अपने समय में सबसे कम उम्र के कुलपति होने का गौरव केवल भारत नहीं पूरे संसार के कुलपतियों में उस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही जाता है। कुलपति रहने के दौरान अनेक रचनात्मक कार्यों के लिए वो जाने गए। राजनीतिक रूप से वो कांग्रेसी थे लेकिन भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। जवाहरलाल नेहरू से विचारों का मेल ना होने के चलते कांग्रेस छोड़ उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने नेहरू की कश्मीर नीति का सबसे पहले विरोध करते हुए कहा था कि एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से भांप लिया था कि धारा 370 देश की एकता के लिए कितना बड़ा खतरा है। बंगाल के कलकत्ता में 6 जुलाई को जन्मे मुखर्जी के पिता आशुतोष कलकत्ता हाईकोर्ट में जज और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उप कुलपति भी थे। इनकी माता का नाम जोगमाया था। प्रतिभा का बचपन से ही परिचय देने लगे थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सुधा देवी से शादी की थी। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट पर बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। अगले ही साल उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस लेजिस्लेचर का बायकॉट कर रही थी। 1937 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते। उस समय कृषक प्रजा पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गठबंधन की सरकार के चलते ये विपक्ष में रहे। ब्रिटिश सरकार विरोधी रवैये के चलते इन पर अनेक प्रतिबंध लगे। 1942 में ब्रिटिश सरकार के भारत विरोधी रवैये और भारत को आज़ादी ना देता देख इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1946 में दोबारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते। इसी साल ये विधानसभा सदस्य के रूप में भी चुने गए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को देखते हुए इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिख कहा बंगाल का विभाजन भी किया जाए। इस मांग के पीछे उनकी मंशा साफ तौर पर हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इलाकों के बंटवारे को लेकर थी। वो जानते थे कि धर्म के नाम पर मारकाट होना तय होगी। डायरेक्ट एक्शन के नाम पर यही हुआ। हजारों की तादाद में लोग मारे गए और कांग्रेस ने लीग के दबाव में पाकिस्तान की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ ही वो नेहरू कैबिनेट में मंत्री बने। महात्मा गांधी की हत्या के बाद उनकी हिंदू महासभा से दूरियां बनी क्योंकि सरदार पटेल महासभा की आलोचना करते हुए कह रहे थे कि ऐसा माहौल तैयार किया गया जिस वजह से गांधी की हत्या हुई। 1950 में मुखर्जी खुलकर नेहरू के विरोध में आए क्योंकि नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ समझौता कर रहे थे जिसे 1950 दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। पैक्ट के अनुसार दोनों देश अपने यहाँ रह गए अल्पसंख्यकों को हिफाजत देंगे। मुखर्जी ने जोरदार तरीके से इस पैक्ट का विरोध ये कहते हुए कि यह पाकिस्तान की चाल है, लेकिन जब समझौता नहीं रुका तो उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल और कांग्रेस को अलविदा कहना ही ठीक समझा। मुखर्जी जान रहे थे कि नेहरू और कांग्रेस वो गलती दोहरा रहे हैं जिसकी परिणति पाकिस्तान के जन्म के रूप में हो चुकी थी। मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के MS गोलवलकर जी से मिले। सलाह मशवरे के बाद भारतीय जनसंघ के नाम से दिल्ली में पार्टी की घोषणा की और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। 1952 के आम चुनाव में जनसंघ केवल 3 सीट जीतकर संसद पहुंची, जिसमें एक मुखर्जी थे। शुरुआत से ही पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव राष्ट्रवाद रहा। नेहरू से मुखर्जी की कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, लेकिन कश्मीर को लेकर और शेख अब्दुल्ला के प्रति नेहरू की नज़दीकी से वो बाखूबी वाकिफ थे। इसी को लेकर उन्होंने कश्मीर को विशेष दर्जा 370 देने की तहत मांग का विरोध करते हुए कहा था एक देश दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे। धारा 370 और इसकी आड़ में छिपा 35 से आज आप बखूबी जानते हैं। अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर में आने वाले
किसी भी रिफ्यूजी को वहाँ कोई शरण ना दी जाए, ना ही किसी प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा हो, बल्कि पाकिस्तान से आने वाले रिफ्यूजियों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया जाए, जिस एवज में नेहरू धारा 370 और 35 ए लाए। नेहरू भी जानते थे और अब्दुल्ला भी कि इसी वजह से कश्मीर हमेशा मुस्लिम बहुल बना रहेगा और अब्दुल्ला की सत्ता भी टिकी रहेगी। बकायदा कश्मीर जाने के लिए परमिट लागू किया गया। एक ही देश में उसके दूसरे राज्य में जाने के लिए वीज़ा के समान ही ये था। मुखर्जी ने इसका विरोध करते हुए बिना परमिट कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया। कश्मीर में घुसते ही 11 मई 1953 को उन्हें और उनके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन्हें श्रीनगर की सेंट्रल जेल लाया गया। जेल में उनकी तबीयत खराब होने पर शहर से बाहर एक कॉटेज में रखा गया। 19-20 जून की रात उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद भी 22 जून को उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। 23 को बेहद रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल स्टाफ से अनेक बातें बाहर निकलती हैं। उनकी माँ नेहरू को चिट्ठी लिखकर उनकी मौत की जांच करवाने को कहती हैं। नेहरू चिट्ठी का जवाब देते हैं, ये लिखकर देते हैं कि उन्होंने पता करवा लिया है, उनकी मौत नेचुरल थी। भारत के अनेक सपूत चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री और ना जाने कितने अनजाने रहे होंगे जिनकी मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है।